लोडेड पिस्तौल के साथ झांगुर गुट का सदस्य गिरफ्तार, गया जेल। बिशुनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने आज गुप्त सूचना मिलने पर छापामारी के क्रम में बिशुनपुर प्रखंड के जेहन गांव से एक उग्रवादी हरेंद्र उरांव को लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने उसके साथ एक लोडेड पिस्तौल, एक गोली भी बरामद किया है। यह उग्रवादी सातो नवाटोली गांव का रहने वाला है। उग्रवादी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह झांगुर गुट सुप्रीमो रामदेव उरांव के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। इस मामले को लेकर गुमला SDPO मनीष चंद्र लाल बिशुनपुर पहुंचे और पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सदानंद सिंह सेट 172 के जवानों के साथ जेहन गए थे। इसी क्रम में जेहन गांव के आसपास एक मोटरसाइकिल में बाइक में घूम घूम कर लोगों को धमकी दे रहा था। इसी क्रम में थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने दौड़ाकर उग्रवादी हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हरेंद्र के पास एक देसी लोडेड पिस्तौल एवं गोली भी बरामद किया गया है। SDPO मनीष चंद्र लाल ने बताया कि हरेंद्र उरांव वर्ष 2015 में सेरका नामक गांव में एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था, जिसमें वह अभियुक्त था। पुलिस उसे लगातार खोज रही थी। इसी से बचने के लिए वह वर्ष 2015 में रामदेव गुट के सुप्रीमो रामदेव उरांव की पार्टी में शामिल हुआ और रामदेव ने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया। SDPO ने बताया कि उग्रवादी हरेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।